सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिर, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय की अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, और इन चित्रकला के 6 तत्वों में तीसरे तत्व वर्ण या रंग का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने वर्ण के बारे में जाना। विभिन्न प्रकार की जो रंगीन वस्तुएं हैं वो हमें प्रकाश और दृष्टि की मौजूदगी में ही दिखाई देती है, और जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो वस्तु उन सभी प्रकाश की तरंगों को आत्मसात कर लेती है, और मात्र एक रंग की तरंग को, जो वस्तु का मूल रंग होता है, जो स्थायी गुण होता है, उसको वह परावर्तित कर देती है, और वो रंग जो है, उसकी जो तरंग है वो हमारे अक्ष पटल पर पड़ती हैं, तो हमें उस वस्तु के मूल रंग का ज्ञान होता है। इस प्रकार से जो रंग की तरंग की गति है उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि तीव्र जो रंग होते हैं उनमें ज़्यादा तरंग की गति होती है, और प्रिज्म की सहायता से भी हम इन रंगों को देख सकते हैं। इंद्रधनुष में जो 7 रंग हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। जो 7 रंग हैं उसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। प्रिज्म की सहायता से भी जो रंग आप देख रहे हो उसमें भी हमें जो प्रकाश के जो रंग है उनका ज्ञान होता है। इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारे अक्ष पटल पर पड़ता है और हमें रंग का ज्ञान होता है। इस प्रकार जो रंग है वो प्रकाश का गुण है, यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है, और अक्ष पटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को ही रंग कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे रंग के गुण को। रंग के स्वरूप के निर्धारण के 3 मुख्य आधार है जो वर्ण के गुण कहलाते हैं, मतलब रंग का जो स्वरूप होता है उसके निर्धारण के लिए 3 गुण माने जाते हैं, और ये अति महत्वपूर्ण है। ये 3 गुण मुख्य है। पहला है वर्ण की रंगत, दूसरा है वर्ण का मान, और तीसरा है वर्ण की सघनता। रंगत, मान और सघनता, ये 3 वर्ण के गुण कहलाते हैं। कभी अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि वर्ण के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता, और वर्ण के सभी विभिन्न आयाम इन्हीं 3 के माध्यम से ही व्यक्त होते हैं। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है रंगत। रंगत जो है इसमें कोई अति आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। रंगत क्या होती है, आपके सामने अगर 3 रंग मौजूद है, लाल, पीला और नीला, तो लाल में लालपन है इसलिए उसकी रंगत है लाल, पीले में पीलापन है इसलिए उसकी रंगत है पीली, और लाल में और नीले में नीलापन है इसलिए उसकी रंगत है नीली। मतलब यह रंग का स्वभाव होता है, जो मुख्य जो रंग जैसा होता है वही हमें वैसा ही दिखाई देता है। मतलब जो रंग जैसा होता है उसमें हमें उसका वैसा ही ज्ञान होता है। लाल रंग है तो उसको हम लाल ही कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यह वर्ण का वह गुण है जिसे हम वर्ण विशेष के नाम से उसके रूप से जानते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वह एक गुण है, जैसे लाल है तो उसमें गुण है लालपन, तो उस रंग को हम लाल ही कहेंगे। ये उसकी एक पहचान होती है, अर्थात एक वर्ण को दूसरे से पृथक करते हैं, उसकी जो पहचान होती है लाल और जो पीला है उन दूसरों की एक दूसरे की जो पहचान है वो अलग अलग है। लाल में लालपन है, पीले में पीलापन है, तो इसके द्वारा वो दोनों रंग एक दूसरे से पृथक है और हमें एक दूसरे से पृथक नजर आते हैं, यथा लालपन, पीलापन इत्यादि। और यह रंग की प्रकृति होती है, जो रंग का स्वभाव होता है लाल में लालपन और पीले में पीलापन वही हमें दिखाई देगा। आपको कभी किसी लाल रंग में नीलेपन का आपको उसका जो प्रकृति उसको दिखाई दी क्या? आपको नीले रंग में कभी आपको लाल दिखाई देगा नहीं, और लाल में कभी आपको पीला दिखाई देगा नहीं। लाल तो लाल ही रहेगा और पीला पीला ही रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो जैसा रंग है जो हमें दिखाई देता है वो ही उसका गुण होता है, वही उसका प्रकृति और स्वभाव होता है। जैसे कि आपके सामने 3 रंग मौजूद हैं, अब आप कभी नीले रंग को पीला नहीं कहोगे, नहीं पीले को हरा कहोगे, और नहीं लाल को काला, क्योंकि नीले में नीलापन है इसलिए हमें ये नीला दिखाई देता है, और पीले में पीलापन होने के लिए इसका जो स्वभाव है वो हमें इसका ज्ञान हो जाता है, और लाल में लालपन है। इस प्रकार से उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने 3 रंग
प्रस्तुत किए हैं। आपको पता चल जाए कि स्वभाव के आधार पर, प्रकृति के आधार पर जो तीनों रंग है वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, और ऐसे ही हमें इन रंगों का ज्ञान होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक रंग, इसमें नीलापन होने की वजह से यह नीला है, पीलापन होने की वजह से यह पीला है, और लालपन होने की वजह से लाल है। ठीक है, तो ये तो सामान्य सी बात है। दूसरा है मान, वैल्यू। अब पहला हमने पढ़ा रंगत, जो रंग होता है। अब रंगत के बाद ये दूसरा जो गुण है वो होता है मान, कि अपने भी रंग का भी अपना एक मान होता है, एक वैल्यू होती है। किस प्रकार से, देखिए, वर्ण का जो मान है वो रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है, अर्थात यह वर्ण में प्रकाश व अंधकार की मात्रा का द्योतक है। मतलब एक रंग जो है, ठीक है, उसमें हल्कापन भी होता है और गहरापन भी होता है। जो जितना हल्का होगा वो प्रकाश की तरफ जाएगा, और जो जितना गहरा होता जाएगा वो अंधकार, कालेपन की तरफ जाएगा। जैसे गहरा लाल रंग या फिर हल्का लाल रंग, इसको हम आगे एक आपके सामने चित्र के द्वारा हम समझेंगे, तो आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि जो मान है वो क्या होता है। सफ़ेद रंग के मिश्रण से रंग के मान को बढ़ाया जा सकता है, और काले रंग के मिश्रण से मान घटाया जा सकता है। अब आपको ध्यान रहना चाहिए, किसी भी रंग में अगर, जैसे लाल रंग है उसमें हमने अगर सफ़ेद रंग मिलाया तो धीरे धीरे उसका जो मान है वो बढ़ेगा, उसमें चमक आएगी, और उसमें अगर काला रंग मिलाएंगे तो आपको पता है कि रंग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। काला रंग जो है वो रंग का अस्तित्व खत्म कर देता है, और उसका मान जो है वो घटेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो वो लाल से गहरा लाल हो जाएगा, फिर बिल्कुल काला हो जाएगा। इस प्रकार से सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो वह हल्का लाल होगा, फिर और ज़्यादा हल्का लाल होगा। ठीक है, इस प्रकार से मान का बढ़ना आभा और मान का घटना छाया कहलाता है। इस प्रकार सफ़ेद व काले की मात्रा किसी भी रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब सफ़ेद रंग को हम और काले रंग को अगर हम किसी एक रंग के अंदर मिलाएंगे ना, तो उस रंग के विभिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जैसे एक लाल रंग हमने ले लिया, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद मिलाया, फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद मिलाया, फिर थोड़ा ज़्यादा मिलाया, तो उसके जो विभिन्न मान है ना वो हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी रंगत के हल्केपन और गहरेपन को मान कहते हैं। मतलब उसमें सफ़ेद रंग मिलाएगा तो उसमें हल्कापन आएगा, और उसमें काला रंग मिलाएंगे तो उसमें गहरापन आएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि किसी भी रंगत के हल्केपन और गहरेपन को मान कहते हैं। काला रंग मिलाने से वो रंग गहरा हो जाएगा तो वो गहरापन कहलाएगा, और सफ़ेद मिलाएंगे तो वो हल्का हो जाएगा तो उसको हल्कापन कहेंगे। तो हल्केपन और गहरेपन का द्योतक है मान। ठीक है, चित्र आपके सामने एक प्रस्तुत है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक रंग है लाल रंग। यह जो लाल रंग है इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ, इसके बाईं तरफ आप देखोगे तो इसमें सफ़ेद रंग मिला हुआ है, और थोड़ा सा इसमें सफ़ेद रंग मिला है इसलिए वो हल्का लाल हो गया है। मतलब तो थोड़ा पिंक कलर का सा आपको नज़र आ रहा है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बीच में लाल रंग, जहाँ पे एच यू ई लिखा हुआ है, ह्यू है ना, वो जो पूर्ण जो लाल रंग है वो है। एक सेकेंड आपको मैं समझाता हूँ। जो मध्य भाग में ये जो स्थान है ये है लाल रंग, ये रंग लाल रंग है, और एक तरफ हमने इसके सफ़ेद रंग मिलाया, यहाँ पे वाइट लिखा हुआ है, सफ़ेद रंग इसमें हम मिलाते हैं तो ये हल्का लाल हो जाता है, और इसमें अगर थोड़ा और ज़्यादा सफ़ेद रंग मिलाएंगे, मतलब जितना हमने मिलाया पहले उसका डबल हम मिलाएंगे, या फिर उसी रंग के अंदर ही हम मिला देंगे, सफ़ेद उतना ही मिला देंगे, तो यह
उससे ज़्यादा हल्का हो जाएगा। इस प्रकार जो लाल है उसका जो मान है एक तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो सफ़ेद रंग मिलाने से जो लाल है उसका मान बढ़ रहा है, और अब इस तरफ देखिए आप, इस तरफ हमने इसमें काला रंग मिलाया, ब्लैक रंग जो है ये इसमें मिलाया, तो ऐसे जो रंग है ये ब्राउन रंग हो गया, और धीरे धीरे इसमें जैसे और ज़्यादा इसमें काला मिलाएंगे तो और भी ये गहरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें और भी ज़्यादा मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे ये काला ही हो जाएगा, मतलब जो रंग है वो अपना जो स्वभाव है वो खो देगा और इसका जो मान है वो घट जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ जो मान है वो घट रहा है और एक तरफ जो मान है वो बढ़ रहा है। तो आप देखते हैं कि इस तरफ रंग जो है इसका मान घटेगा, माइनस में जा रहा है, और इधर बढ़ रहा है, प्लस में जा रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी रंग में अगर हम काला रंग मिलाते हैं तो उसका मान घटेगा, ठीक है, माइनस में जाएगा, और सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो उसका मान जो है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप नीले रंग को भी आप समझ सकते हैं। जो नीला रंग है, ये नीला रंग है, एक तरफ इसमें सफ़ेद रंग मिलाया गया है और जिससे क्या है कि इसका मान बढ़ रहा है, और एक तरफ इसमें जो मिलाया गया है वो काला रंग मिला गया है और जिससे इसका जो मान है वो घटा है, ठीक है। एक तरफ बढ़ रहा है और एक तरफ घट रहा है। ऐसे ही जो पीला रंग है उसमें भी ऐसे ही है कि इसमें काला रंग मिलाया थोड़ा सा एक तरफ तो मान घटेगा, और एक तरफ इसमें सफ़ेद रंग मिलाया तो इसका मान जो है वो बढ़ेगा। ऐसे ही आपको जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, और आपको प्रैक्टिकल करना भी है। इसके द्वारा आप एक ही रंग की विभिन्न जो रंगते हैं वो प्राप्त कर सकते हो, और एक ही रंग के जो विभिन्न मान है उनको भी आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि लाल रंग के विभिन्न दो मान आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही इसमें अगर और ज़्यादा सफ़ेद रंग मिलाते जाएंगे ना तो इसमें विभिन्न जो मान हैं एक ही रंग के वो हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि जो वैल्यू है, जो मान है वो क्या होता है, ठीक है। ये रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक होता है। रंगत हो गई लाल, जो बीच में लाल रंग दिया हुआ है, और एक तरफ इसका हल्कापन है और दूसरी तरफ गहरापन, तो हल्केपन और गहरेपन की द्योतक, ठीक है, द्योतक होता है रंगत, उसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा है, वर्ण का मान रंगत के हल्केपन और गहरेपन की द्योतक है। इसी प्रकार से जो अन्य जो इसमें भी आप देखते हैं, लेकिन इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।